अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज है 10 मार्च और मैं हूँ इस वक्त इस्लामाबाद में। दो दिन हो चुके हैं इस्लामाबाद में और आज का सुबह का सीन कुछ ऐसा था कि दोपहर के 2 बजे तक जो है हमने मतलब सुबह उठने के बाद नाश्ता वाश्ता किया जो भी था, और उसके बाद जो है हमने जो होटल है वो चेंज करा है। पहले जो हम जिस होटल में थे वो आप लोग को मैं शॉर्ट्स पहले दिखा देता हूँ, वो शॉर्ट्स आप लोग देखें। जो ये वाला होटल है बहुत अच्छा होटल था जहाँ पे हम रुके हुए थे। दो दिन से 1500 रुपीज हमें पर नाइट पड़ा था, यानी हमने टोटल 3000 पे किए थे दो दिन के, यानी 2 नाइट के। तो सीन कुछ ऐसा था कि वो होटल जो है मेन फैजाबाद जो है यहाँ पे बसों का स्टॉप कहलाता है, जो रावलपिंडी रोड जा रहा है इस्लामाबाद से उस रोड पे था, यानी वो रावलपिंडी की साइड कहलाती है। लेकिन इस्लामाबाद का रोड यानी इस्लामाबाद बिल्कुल सामने है, रोड क्रॉस करेंगे ऊपर आप ब्रिज से क्रॉस करके आएंगे तो सामने बिल्कुल इस्लामाबाद है। तो हम लोग फैजाबाद में रुके हुए थे, वो बेसिकली फैजाबाद कहलाता है। फैजाबाद पे वो होटल था, उस होटल का नाम था एल्पाइन होटल जिसमें हम रुके हुए थे। बहुत अच्छा होटल था, 3000 में बहुत साफ सुथरा था, क्लीन था, रूम भी देख सकते हैं, वॉशरूम भी देख सकते हैं, सुकून की जगह थी, LED टीवी भी लगा था अच्छा बड़ा, तो सारी चीजें सही थी, रूम सर्विस भी थी और बहुत कुछ। तो इसमें खाना वाना हमने ऑर्डर करना होता था, रूम में सारी चीज आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब सीन ये हुआ कि हमने सोचा क्यों ना रूम हम चेंज करें। कल रात में ऐसी बाहर निकला तो एक सर्चिंग की थी दूसरे होटल की। अब जो होटल चेंज किया ये इस्लामाबाद में लगता है, ये होटल जो है इस होटल का नाम वाम और सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल सीन ये है, ये होटल जो हमने किया ये थोड़ा सा और अच्छा है। ऊपर भी इसके 2-3 फ्लोर और बने हुए, तो ऊपर वाले रूम भी बिल्कुल वैसी थे जैसे हम अभी रुके हुए थे पहले वाले होटल में। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि ये जो होटल है ऊपर वाले रूम भी 1500 में मिल रहे थे, लेकिन जिस रूम में अभी हम रुके ये रूम जो है 2000 पर नाइट में मिल रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने के बाद 1800 रुपये पे आया। 1800 रुपये से बार्गेनिंग करने के बाद फिर ये हमने 1600 रुपये में पर नाइट यानी लिया, यानी टोटल 2 डेज के जो हमने पे किया वो 3200 पे की, यानी 3200 रुपये। तो ये होटल का रिव्यू जो है ये चीज़ें मैं आप लोग को बाद में दूंगा। होटल रूम बहुत अच्छा है, मैं आप लोग को ऐसे ही दिखा देता हूँ। पहले ये कुछ इस तरह का यहाँ का मास्टर बेड है और ये सारी चीज़ें हैं, और इधर भी एक LED लगी हुई है जो कि अच्छी खासी बड़ी है। साथ साथ ये यहाँ पे रैक बने हुए, यहाँ पे अलमारी है। कल मतलब जहाँ पे हम पहले रुके थे वहाँ पे सिर्फ एक अलमारी थी, एक शेल्फ था, यहाँ पूरी अलमारी का सेटअप है। और अभी सीन ये है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों ने थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा। तो अभी चलते हैं और आप लोग से बाहर ही मिलता हूँ। A few inches later. गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग फैसल मस्जिद, और सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग होटल से निकले अपने और फैजाबाद मेट्रो स्टेशन से बैठ के हम लोग 15 मिनट में पहुंचे हैं पिंस स्टेशन, जो कि जहां से हमें आने में इजी है वहीं पे सेंट्रोरस मॉल भी है और उससे आगे 2-3 स्टेशन और थे, लेकिन वो बस जो है वहां से मुड़ जाती है तो हम वहां से यहां नहीं आ सकते थे। तो हमने फैजाबाद मेट्रो स्टेशन से हम लोग बैठे, एक बंदे का टिकट मेट्रो स्टेशन पे जो मतलब मेट्रो बस है उसका जो टिकट है पर पर्सन वो 30 रुपये, और बहुत ही अच्छी बसेस बनी हुई है, बहुत ही सुकून है और बहुत मज़ा आया सफ़र करने में मेट्रो बसेस में। सेंट्रोरस मॉल से जो है 5 से 5.5 किलोमीटर का रास्ता था फैसल मस्जिद का। सेंट्रोरस मॉल आप लोग को मैं यहाँ से दिखाऊँ, वैसे देखिएगा तो नहीं, इन पेड़ों के पीछे ये सीधा रास्ता है, तो
तो हमने फैसला किया क्यों ना हम लोग पैदल चल के आते हैं, खाना वाना भी खाया हुआ था। तो हम लोगों ने सीन कुछ ऐसा किया कि हम लोग सेंटोरस मॉल से पैदल फैसल मस्जिद आए और रस्ते में भी बहुत सारे नज़ारे करते हुए एंजॉय करते हुए, रस्ते में मेन रोड के साथ ही जो है एक छोटा सा मिनी जू भी था जहाँ पे ज़ेबरा हमने देखे और मुख्तलिफ जानवर थे, लोमड़ी हिरन ये सारी चीज़ें थी, वो भी मैंने आप लोग को शॉर्ट्स में दिखाया। तो बड़ा मज़ा आया सफ़र, मतलब पैदल चलते हुए वॉकिंग करते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए। मुश्किल से हमें आधा घंटा लगा वॉक करने में, हमारी टहल भी हो गई और साथ साथ हमें मज़ा भी आया सफ़र करने में। गाइस तो सीन ऐसा है कि हम लोग मेन सामने की तरफ से अंदर आए थे, इंटर हुए, अब हम लोग पीछे की तरफ घूम रहे हैं, यानी पीछे से घूम के हम लोग राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ से फिर इंशाल्लाह मैं अच्छे अच्छे शॉट भी लूँगा और फिर मस्जिद के अंदर भी जाना है। मगरिब थोड़ी देर में होने वाली है, मगरिब हो जाए फिर हम मस्जिद के अंदर जाएंगे, इंशाल्लाह नमाज भी अदा करेंगे। तो अभी ये आप लोग को शॉट दिखाता हूँ, शॉट्स इंजॉय करें बस। तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने पूरी मस्जिद जो है घूम ली और विजिट की, और आप लोगों ने शॉर्ट्स लाजमी देखे होंगे कि कितनी खूबसूरत है। और सबसे मेन चीज़ मैं आप लोग को बताऊं कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, जो पिक्चर्स में देखता था और नॉर्मली देखते रहते थे हम लोग फैसल मस्जिद के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगी। और एक चीज़ ये भी कि बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला यहाँ पे, आप लोग को बता ही सकता, दिन में जब हम लोग आए थे ना उसकी एक अलग खूबसूरती थी, लेकिन अभी जो रात हो रही है और रात में जो यहाँ पे लाइटिंग्स हो रही हैं उस वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती हो रही है। और जैसा कि आप लोगों ने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि हम मस्जिद में गए, पूरे चारों तरफ हम लोगों ने शॉट्स ली और उसके बाद जो है नमाज पढ़ी अंदर जाके, अंदर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है जहाँ पे हम लोगों ने नमाज अदा की अपनी। तो अब सीन ऐसा है कि मैं पूरी मस्जिद जो है वो घूम ली और मैंने आप लोग के साथ भी शेयर कर दी। मेरा जो बैग और जूते हैं वो हमने बाहर रखवा दिए, बाहर रखवाने की सामान आपका रखने की जो प्राइस है वो 100 रुपये लेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी रखवा सकते हैं। आपको टोकन नंबर अपने पास रखेंगे, एक आपको दे देंगे, वो आप रखें अपने पास, वापसी जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा, फिर आप वापसी अपना सामान पिक कर सकते हैं। तो सामान वहाँ हमने सारा दे दिया, सही मोबाइल है हमारे पास, अंदर कैमरे अलाउ नहीं है यानी आप शूट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैंने मोबाइल से शूट किया और आप लोग के लिए और आप लोग को दिखाया। आपका नाम क्या है? तनवीर भाई, आपके पास क्या क्या चीज़ें खाने की? नहीं बोले, चना चाट है, फ्रूट चाट है, गोल गप्पे, दही बड़े, चना चाट, फ्रूट चाट और गोल गप्पे। जी जी। अभी यहाँ पे हम लोग खड़े होकर चाट खा रहे थे, मैंने फ्रूट चाट लिए और असद ने लिए चना चाट, और चाट इनकी बड़ी मज़े की है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं फैसल मस्जिद, जो कि बिल्कुल सामने ही है, फैसल मस्जिद के साथ इन्होंने ठेला लगाया हुआ अपना स्टॉल है और बड़े मज़े की चीज़ें इनके पास, तो एक बार आए तो क्या नाम है आपका?
तनवीर भाई की चाट जो है एक बार जरूर लास्ट में ट्राई करके आप लोग। अच्छा गाइस, तो ये थी वीडियो छोटी सी, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मुझसे जितना हो सका मैंने उतने शॉर्ट्स लिए। अब ये है, यहाँ से जा रहे हैं वापसी अपने होटल की तरफ। मस्जिद के अंदर जहाँ जमात थी यानी नमाज जहाँ पढ़नी थी वहाँ पे जो है अलाउ नहीं थी वीडियो, बेसिकली मतलब वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, जिस वजह से जो है वहाँ पे जो है वीडियो मैंने नहीं बनाई। यानी गिम्बल और ट्राइपॉड नहीं लेके गया, फिर बैग रखवा के सिर्फ मोबाइल लेके गया हूँ। और बड़ी मुश्किल से जितने मुझसे हो सके उतने शॉर्ट्स मैंने आप लोग के लिए लिए। तो मस्जिद के बारे में अगर बात करूँ, फैसल मस्जिद की जिस तरह पिक्चर्स में देखते थे ना, उस हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो मुझे उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल लगी। बहुत सुकून की जगह, सारी चीज़ें एक तरह, सबसे पहले भाई एक मस्जिद है तो मस्जिद की बात ही अलग होती है, अल्लाह का घर है। तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला और मज़ा भी आया, इन्जॉय भी किया। तो अब यह इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, यहाँ से घर वापसी जाना है, सिर्फ 1.5 घंटे बाकी है। मेट्रो स्टेशन बंद हो जाते हैं 10 बजे तक, 8:30 हो चुके हैं, तो मेट्रो से वापसी जाएंगे। अभी यहाँ से वापसी पैदल जाएंगे सेंट टॉरेस मॉल तक, और फिर वहाँ से फिम्स स्टेशन से जो है मेट्रो में बैठ के फिर वहाँ से वापसी जाएंगे अपने फैजाबाद मेट्रो स्टेशन पे, फिर वहाँ पे अपना होटल है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे हैं, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।